जैसा आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी कल से पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, और बदलाव यात्रा का मतलब कि जो अभी तक की पार्टियों के शासन से जो लोग परेशान हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, वो मूलभूत बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते लोग, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद लोगों का ये भरोसा टूट चुका है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी किसी तरीके का कोई मुकाबला दे सकती है। इसलिए लोग एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मुकाबला दे बल्कि उसे हरियाणा में पटखनी दे सके और लोगों के मन की सरकार बना सके, आम आदमी की सरकार बना सके। हम इस बदलाव यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा में आम लोगों के बीच आम जनता का वो विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए उनकी बातें भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर सवाल भी उठें और उन मुद्दों के ऊपर सरकार भी बने। इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास अभी से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जिन रूट पे जो जिसके भी नेतृत्व में यात्रा हो रही है उन सबके पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। युवा साथी इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस से भरोसा टूटने के बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे जुझारू और संघर्षशील साथी आम आदमी पार्टी की तरफ इस बदलाव यात्रा के दौरान रुख करेंगे। मेरा अपना रूट महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के झज्जर बेरी से होते हुए, रोहतक से होते हुए, कलोई से होते हुए और नॉर्थ की तरफ कलायत, कैथल, असंध की तरफ निकल जाएगा। ये पूरे रूट पर मैं अपनी यात्रा के दौरान युवाओं से जुड़ने की, उनके मुद्दों को उठाने की, सरकार को क्यों बदलना है, किन मुद्दों के ऊपर जनता सरकार चाहती है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे लगातार। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी के चलते और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को हटा करके जो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि ये कारण रहे वहां पे। और सबसे बड़ा कारण ये रहा, इसको मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, कमजोर संगठन, उनकी कमजोर विचारधारा की हार मानता हूं। एक खुले मैदान में जहां सीधा मुकाबला था उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ, बाकी सभी सहयोगी दलों ने किसी न किसी तरीके से कॉपरेट किया कांग्रेस पार्टी के साथ, किसी ने भी बीच में उनके सीधे मुकाबले को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं लगाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस का ना जीत पाना ये बताता है कि अब कांग्रेस सक्षम नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, उसकी ताकत से, उसके संगठन से या उन चीज़ों से लड़ सके। ना उनके पास रणनीति उस तरीके की रहती है, ना नेतृत्व उस तरीके का रहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत नहीं है। नीतियों की जीत तब होगी जब उन्होंने जो वादे किए वहां पे वो उसको निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है इस चीज के लिए कि चुनाव के वक्त जो वादे करते हैं उसको बाद में जुमला बता करके छोड़ देते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं।